नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुनिया में लोग आकर के, दुनिया में जन्म पा करके बुरे कर्म करते रहते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन सोचिए, गलत काम आप कब तक करेंगे? गलत कामों का परिणाम भी गलत ही होता है। अंत समय में गलत कामों का परिणाम गलत ही होगा, इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। आज की कहानी अगर आप लोग सुन लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, तो आपका जीवन जरूर बदल जाएगा, आप अलग इंसान हो जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने चल रहे हैं, तो आप लोग बिना पूरा वीडियो देखे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन एक अलग दिशा की ओर चल पड़ेगा। तो इस तरह का वीडियो जल्दी YouTube पर नहीं मिलता है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। भारतवर्ष में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन आदर्शों से संपूर्ण मानवता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। वह अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाही। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और अपनी दक्षिणा के रूप में 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। मुनि बिना दक्षिणा लिए चले जाएं यह भी संभव न था। कोई उपाय न देखकर राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को परिवार सहित बेचने का निर्णय ले लिया। राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू कामकाज के लिए एक ब्राह्मण ने। एक दिन जंगल में रोहित को विषैले सर्प ने डस लिया। असहाय तारामती मृत पुत्र को गोद में उठाकर अंत्येष्टि के लिए श्मशान ले गई। ऐसे संकट के समय में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा तथा तारामती से सौदाह हेतु कर मांगा। तारामती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर वह अपनी धोती का आधा भाग फाड़कर देने के लिए तैयार होती है कि विश्वामित्र और देवतागण प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सबने राजा के धैर्य, दानशीलता
और न्याय की प्रशंसा करते हुए रोहित को जीवित कर दिया तथा राजपाट भी वापस कर दिया।